तो चलिए आज की हमारी इस क्लासेस को स्टार्ट करते हैं। और आज हम डिस्कस करेंगे वीवीएम पर प्रोग्रामिंग के बारे में। लास्ट क्लास में हमने आपको रेंज की बताया था कि रेंज कैसे क्या होता है। आज हम रेंज के सिलेक्शन मेथड के बारे में आपके साथ डिस्कस करेंगे, ठीक है जी, कि किसी पर्टिकुलर डेटा को कैसे सिलेक्ट करेंगे और कैसे डायनेमिक सिलेक्ट करेंगे, इसके बारे में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे आज के इस क्लासेस में। तो यहाँ से एक मॉड्यूल्स को इंसर्ट हम करते हैं और सब्जेक्ट, और जैसे कि आपके सामने एक डेटा है, मुझे इस डेटा को सिलेक्ट करना है। तो ए से लेके A1 से लेके H21 तक का डेटा है, तो इसको सिलेक्ट करने का तरीका क्या क्या है उस देखिए। पहला तरीका है कि हम इसको रेंज A1 से लेके H21 डॉट सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर हम लिखेंगे रेंज A1 कॉमा H21 डॉट सेलेक्ट। तो रेंज A1 डॉट H21, ये जो मेथड है, ये मेथड आपका VVA का मेथड है। VVA क्या करता है कि आपको इसको सिलेक्ट किया और शिफ्ट के साथ स्टार्टिंग पोजीशन और एंडिंग पोजीशन पे क्लिक करेंगे तो सिलेक्ट कर लेगा। जी हाँ, स्टार्टिंग पोजीशन और एंडिंग पोजीशन। अब मान लीजिए मुझे कंट्रोल ए करना है, तो कंट्रोल ए के लिए हम लिखते हैं रेंज A1 डॉट करेंट रीजन, क्योंकि कंट्रोल ए करेंट रीजन को ट्रिगर करता है, तो करेंट रीजन डॉट सेलेक्ट। और मुझे मान लीजिए पूरा का पूरा सीट सेलेक्ट करना है, तो उस केस में हम लिखेंगे सेल्स डॉट सेलेक्ट। ओके, सेल्स डॉट सेलेक्ट ये पूरा का पूरा सीट को सेलेक्ट कर लेगा। इसमें ये तो हो गई। अब दूसरी चीज यहां पे आती है कि मुझे अगर कर्सर मूव करना हो, जैसे मान लीजिए मुझे स्टार्टिंग से एंडिंग और इस तरह से कर्सर को मूव करना है, तो इस तरह से कर्सर मूव कैसे किया जाएगा। तो यहां लिखेंगे रेंज A1 डॉट एंड, A1 डॉट एंड। तो एंड कहां, क्योंकि कर्सर का मूव डाउन करना है, तो एक्सेल डाउन डॉट सेलेक्ट कर लीजिए, तो जहां पे कर्सर है उससे नीचे की तरफ आ जाएगा। लेकिन हम यहां पे रेंज A1 डॉट एंड करते हैं, एंड में हम यहां पे एक्सेल टू डाउन की जगह पे लेफ्ट भी रख सकते हैं, लेफ्ट डॉट सेलेक्ट। उसी तरीके से मैं यहां पे रेंज A1 में मान लीजिए मैं यहां पे A21 करता हूं, A21 डॉट एंड एक्सेलेस अप कर सकता हूं, अप डॉट सेलेक्ट। अब यहां पे अगर मोस्टली लोग डाउन का यूज करते हैं, तो अगर मुझे कर्सर को, इस कर्सर को यहां से लेके नीचे की तरफ आना है, तो एक्सेल डाउन कर लेंगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या होगा कि बीच में कहीं अगर ब्लैंक है तो कर्सर आपको यहीं पे रुक जाएगा, क्योंकि डाउन जो होता है वो एंड में इस पे ब्लैंक पे वर्क सही तरीके से नहीं करता, जहां ब्लैंक होगा वहीं पे रुक जाएगा। तो उस केस में क्या करेंगे, उस केस में मैं यहां दूंगा रेंज A65,000, या आप दे सकते हैं 10,00,000, A65,000 या 10,00,000 डॉट एंड, और यहां पे हो जाएगा एक्सेलेस अप डॉट सेलेक्ट। मतलब कि नीचे आप यहां पे गया, A65,000 पे गया या 10,00,000 पे गया, और यहां से कंट्रोल के साथ पेज अप करेगा और ये ऊपर आ जाएगा, ठीक है।
तरीका था हमारा। क्योंकि मुझे सेलेक्ट करना है, जैसे इसको सेलेक्ट करने के लोग करते हैं ना, कंट्रोल के साथ शिफ्ट लेते हैं, डाउन राइट एरो एंड डाउन एरो कर देते हैं, तो यहाँ पे भी हम इसी चीज को करेंगे। यहाँ लिखेंगे कि रेंज ये वन से स्टार्ट था और फिर वापस देंगे रेंज ए वन से डॉट एंड एक्सेल टू राइट डॉट सेलेक्ट। तो जैसे हमने इस चीज में हमने इस मेथड को फॉलो किया है। ये मेथड में क्या होता है कि स्टार्टिंग पोजीशन होता है और एंडिंग पोजीशन होता है। तो यहाँ पे मेरा स्टार्टिंग पोजीशन ए वन है और एंडिंग पोजीशन के लिए क्योंकि हमें पता नहीं है तो हमने यहाँ पे एक्सेल टू राइट कर दिया। तो यहाँ पे हमने दो कोड को आपस में मर्ज किया है, ठीक है जी? हाँ यस सर। तो ये क्या करेगा, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो से राइट में यहां आ जाएगा। अब मुझे यहां से नीचे की तरफ लाना है, यहां से नीचे की तरफ लाना है, तो यहां पे रेंज और यहां हो जाएगा सिलेक्शन और कॉमा सिलेक्शन डॉट एंड एक्सेल डाउन डॉट सेलेक्ट। दो लाइन अगर लिखते हैं, अब यहां पे सिलेक्शन क्यों दिया हमने, सिलेक्शन ये दिया क्योंकि यहां पे हमें सिलेक्टेड एरिया को नीचे तक लेके आना है ना एंड तक, इसलिए हमने बोला सिलेक्शन से स्टार्ट हो, सिलेक्शन डॉट एंड एक्सेल डाउन तक चले और फिर उसको सिलेक्ट कर ले। ओके? लेकिन यहां पे एक दिक्कत ये होगा कि मान लीजिए कि ये दोनों तरफ ब्लैंक है तो अब ये यही तक रह जाएगा, हम इसको सिलेक्ट करते हैं तो अब उस केस में कैसे सिलेक्ट करेंगे? तो यहां पे हम दो वेरिएबल लेंगे, एक तो लेंगे कॉलम का एक लेंगे रो का। तो यहां पे लिखते हैं रेंज एफ डी वन डॉट एंड और फिर यहां हम करेंगे एक्सेल एस टू लेफ्ट डॉट कॉलम। ये क्या करेगा कि सबसे लास्ट में जाएगा, एक्स एफ डी वन मतलब कि सबसे लास्ट कॉलन और वहां से और लेफ्ट की तरफ आएगा और जहां पे कर्सर आके रुकेगा मतलब कंट्रोल लेफ्ट एरो यूज करेगा और जो आएगा इसकी कॉलम नंबर जिसकी काउंट करेगा 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कॉलम नंबर 8 जो है वो सी के ऊपर स्टोर कर देगा। सी क्या है, सी यहाँ पे एक वेरिएबल है। ओके ऐसे यहां पे हम लिखेंगे रेंज एच 65,000 डॉट एंड और एक्सेलस अप डॉट रो। अगर मान लीजिए कि मुझे ये नहीं पता कि कॉलम एच है या क्या है, कॉलम कुछ भी हो सकता है, तो उस केस में यहां लिखेंगे आर इक्वल टू सेल, सेल में रो हमारा 65,000 हो जाएगा, कॉलम हमारा सी हो जाएगा डॉट एंड एक्सेल अप डॉट रो। इस तरह से हम लिखेंगे और फिर यहां देंगे रेंज हमारा स्टार्टिंग तो ए वन से है और एंडिंग के लिए हम देंगे सेल, सेल में रो हो जाएगा आर कॉलम हो जाएगा सी डॉट सेलेक्ट। तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका डेटा ब्लैंक है और क्या है, वो जो भी एक्सेल डेटा होगा उस पूरे डेटा को सिलेक्ट कर ले। ठीक है, हेलो अतीश जी, हेलो सर,
सर इसमें ये 2 बार आर इक्वल टू रेंज, और ये जो 2 बार किया है हमने 2 बार नहीं किया, हमने बताया आपको कि अगर आपको कॉलन पता है कि कौन सा कॉलन है तो आप इसका यूज कर सकते हो कि एच 65,000 से एक्सेलस अप डाउन उसका रो ले लो। मतलब क्या होगा कि हमें पता करना है कि हमारा डेटा सबसे लास्ट किस कॉलम पे और किस रो पे है। तो पहली वाली जो लाइन, सी वाली जो लाइन है, वो क्या कर रहा है कि सबसे लास्ट में जाता है और वहां से लेफ्ट की तरफ आता है, तो कर्सर वहीं रुकेगा जो आपका लास्ट डेटा होगा। तो इसका एच को नहीं, इसका नंबर जो होता है कॉलम नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 नंबर जो कॉलम है उसको सी पे स्टोर कर देता है। मुझे पता है कि कॉलम एच का लास्ट रो चाहिए, कॉलम एच का लास्ट रो चाहिए। तो यहां पे हमने क्या किया कि एच 65,000 पे हम चले गए नीचे की तरफ, क्योंकि इसके ऊपर ब्लैंक हो सकते हैं इसलिए। और यहां से मैंने कंट्रोल के साथ अप एरो का यूज किया और सबसे लास्ट में जाके रुका, और इसका जो नंबर है 21 वो आर पे स्टोर कर दिया। तो 21 आर पे स्टोर है और 8 नंबर सी पे स्टोर है। तो ये अल्फा न्यूमेरिक नहीं है, ये नंबर नंबर में, रो भी आपका नंबर में है और कॉलम भी आपका नंबर में है। तो उसके लिए हमें यहाँ पे सेल का इस्तेमाल करना होगा कि A1 से स्टार्ट होगा, एंडिंग कौन सा, तो एंडिंग होगा सेल एंडिंग देगा R और C को अंडरस्टैंड करके, मतलब कि H21। और ये दूसरा लाइन था, दूसरा लाइन इसलिए था कि यहाँ पे तो हमें पता है कि कॉलन H हमारा लास्ट है, लेकिन हो सकता है कि कॉलन एच भी लास्ट ना हो, आई जे के एल बढ़ता घटता रहे, समझ गए ना। उस केस में हमने यहां बुलाया कि हमें नहीं पता कि कॉलम लास्ट क्या है, कॉलम लास्ट तुम सी से पूछ लो, सी को पता है, सी ने रेंज लेफ्ट एक्सेल टू लेफ्ट कॉलन से लिया हुआ है, यस सर समझ गए। तो इस तरह से सिलेक्ट कर सकते हैं डेटा को। अब इसमें यस सर बात आती है कि जैसे कि मान लीजिए कि हम एक्सेल एफ से भी या जिससे भी हम ऊपर से नीचे की तरफ तो आ जाते हैं, अब मुझे इसकी अगली ब्लैंक रो चाहिए या अगली ब्लैंक कॉलम चाहिए, समझ गए। तो उस केस में क्या करेंगे, तो उस केस में हम ऑफसेट का इस्तेमाल करेंगे। किसी रेंज हमने बोला A 65,000 डॉट एंड एक्सेलस अप, और यहां पे हम देंगे ऑफसेट 1,0 डॉट स्लैब। ये क्या होगा कि नीचे 65,000 से नीचे ऊपर आएगा, 21 पे आया। अब 21 पे किस कोड से आ रहा है, इस कोड से आ रहा है जो कि अभी थोड़ा देर पहले आपको हमने यहां पे बताया, ठीक है। लेकिन मुझे इसकी अगली सेल चाहिए, उसके लिए ऑफसेट है। तो ऑफसेट में आपका ये रो होता है या आपका कॉलन होता है, तो हमने 1 दिया मतलब कि इससे नीचे उतर जाएगा, 0 मतलब कि सेम कॉलन में रहेगा। अगर मैं 0 के जगह पे 1 कर दिया तो फिर वो आगे कॉलम में चला जाएगा। तो प्लस में हमेशा आगे की तरफ बढ़ता है और माइनस में पीछे की तरफ। से मैंने मान लीजिए कि -1 कर दिया, तो अब क्या होगा कि वो यहां से ऊपर यहां आएगा और फिर यहां से एक रो ऊपर और एक कॉलम आगे जाएगा, ये कॉलम हमारा प्लस में था। तो माइनस में जाओगे तो पीछे की तरफ जाएगा, प्लस में जाओगे तो आगे की तरफ जाएगा। समझ आ गया सर आपको? यस सर तो इसकी प्रैक्टिस कीजिए अच्छी तरीके से, क्योंकि अगली 3-4 क्लासेस इसी पे बेस्ड है आपका। टीचर क्या, अब ये मेथड आपको हर जगह यूज करना होगा। मान लीजिए आपको डेटा कॉपी करना है, डेटा पे फॉर्मूला लगाना है, डेटा पे पिवट लगाना है, डेटा पे चार्ट लगाना है, तो आपको डेटा को सिलेक्ट तो करना पड़ेगा, समझे। सर तो इसलिए ये आप काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप क्या करें, इसको अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लें,
फिर इसके आगे हम कल आपके साथ डिस्कस करेंगे। अगर आपके पास कोई डाउट या क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं।